दुनिया में हर आदमी की चाहत होती है कि उसका एक बेटा हो। परिवार का हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा वंश आगे बढ़े, जिसके लिए बेटा होना जरूरी है। ऐसे ही एक पिता की चाहत थी कि मेरा भी एक बेटा हो। तीन बेटियों की चाहत के बाद एक बेटे की चाहत करना आम बात है। एक साथ पैदा हो गए चार बच्चे। नमस्कार, मैं मयंक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नजर टुडे। अब ऑटो वाला बना सात बच्चों का बाप। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर ऑटो ड्राइवर की पत्नी ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया। ये पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल जच्चा और बच्चा सभी लोग स्वस्थ बताए जा रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में है। बच्चों के पिता मनोज कुमार की माली हालत ठीक नहीं है, उन्होंने डॉक्टर और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक प्रकाश नगर के मनोज कुमार की पत्नी खुशबू ने चार बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से एक बेटा और तीन बेटी हैं। लड़के का वजन जो है वो 1 किलो बताया जा रहा है और तीनों लड़कियों का वजन 900 ग्राम, 700 ग्राम और 600 ग्राम है। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि डिलीवरी होने के कारण इनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में इनको नवजात संघ चिकित्सा कक्ष में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। बच्चों के पिता मनोज ने बताया कि वह ऑटो चलाता है, एक साथ इतने बच्चों को संभालना उसके लिए कोई आसान बात नहीं है। प्रकाश नगर मोहल्ले में रहने वाले मनोज की पत्नी खुशबू की तबीयत अचानक से सोमवार के दिन खराब हो जाती है। मनोज ने अपनी पत्नी ट्रांस यमुना के इलाके के जय अम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जाँच के बाद पता चला कि महिला गर्भवती है। अल्ट्रासाउंड में दो जुड़वा बच्चों के बारे में पता चलता है। डॉक्टरों ने पैनल बनाकर खुशबू का ऑपरेशन किया। इस पैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर नीलम और डॉक्टर सूर्यदेव थे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में यह माना जाता है कि महिला के पेट में दो जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला ने चार बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से तीन लड़की और एक लड़का है। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर महेश चौधरी का कहना है कि खुशबू और चार बच्चे स्वस्थ हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उधर अचानक हुई डिलीवरी के खर्चे को पूरा करने के लिए मनोज को अपने मकान मालिक से एक बड़ी रकम उधार लेनी पड़ी। साथ ही वह मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि सात बच्चों के पिता का ये कहना है कि बच्चों को पालने के लिए अब वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। डॉक्टर ने परवरिश की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। पालना अस्पताल के डॉक्टर मुकेश चौधरी ने परिवार की आर्थिक स्थिति को खराब देखते हुए चारों बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी की बात कही थी। साथ ही उन्होंने परिवार से बच्चों के मुफ्त इलाज और शिक्षा का भी वादा किया था। मनोज ने बताया कि कुछ ही घंटे बाद डॉक्टर अपनी बात से मुकर गए। वह इलाज के पूरे पैसे मांग रहे हैं, 35,000 रुपये अम्बे हॉस्पिटल को देने हैं। थाना एतमाऊ उधोला के प्रकाश नगर के रहने वाले मनोज ने बताया कि डिलीवरी के SN मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए गया था, तो वहां लेडी लॉयन भेजा गया। जब लेडी लॉयन गए तो फिर वहां से SN भेज दिया गया। दोनों ही जगह इलाज नहीं हो पाया। पत्नी को दर्द बढ़ने लगा तो उसे मजबूरी में अम्बे हॉस्पिटल जाना पड़ा। यहाँ ऑपरेशन का 60,000 का बिल बन गया। 25,000 रुपये उसने जमा कर दिए और 35,000 अभी देने बाकी हैं। मनोज ने कहा, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब वह सरकार और डॉक्टरों से केवल अपील कर सकता है और वो इसकी पूरी कोशिश कर रहा है कि डॉक्टर कुछ भी करके उसकी रकम में कुछ तो कमी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नज़र टुडे।